भाजपा प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन ने भाजपा मुख्यालय दीपकमल चक्कर शिमला में भाजपा सोशल मीडिया एवं आईटी विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक की अध्यक्षता सोशल मीडिया हेड पुनीत शर्मा और आईटी हेड अनिल डडवाल ने की। दोनों विभागों की कार्यप्रणाली पर विस्तृत चर्चा की गई। संजय टंडन ने पार्टी से जुड़े सोशल मीडिया हैंडल की पहुंच बढ़ाने के टिप्स दिए ताकि बीजेपी जन जन तक पहुँच सके। संजय टंडन ने कहा कि भाजपा ने 7,000 से अधिक बूथों पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं और हमने 7,00,000 लोगों का डेटाबेस बनाया है जो सोशल मीडिया पर सक्रिय रहेंगे। उन्होंने कहा कि हम सोशल मीडिया पर पार्टी के कामकाज में सुधार के लिए प्रभाव विश्लेषण करेंगे। आम जनता के दृष्टिकोण को समझना काफी महत्वपूर्ण है। हम लुक एंड फिल एनालिसिस पर भी काम कर रहे हैं जो सोशल मीडिया को बेहतर आउटलुक देगा। आज हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जो सोशल मीडिया और आईटी प्रकोष्ठ की आज एक बैठक हुई जिसमें हमारे प्रदेश की टीम और उसके साथ ही साथ जिला के जो संयोजक हैं वो सब ने आज उसमें भाग लिया। एक हमारा जो है एक ओवरऑल एक समीक्षा करने का आज का वो दिन था जिसमें हमारे लोगों ने बूथ स्तर तक किस तरीके से ग्रुप्स का व्हाट्सएप ग्रुप का गठन किया है, किस तरीके से हमारा सोशल मीडिया के अंदर एक्टिविटी है, कैसे वो पोस्ट को डाल रहे हैं। तो इतना काम हमारे कार्यकर्ता जो है वो निचले स्तर के ऊपर वो कर रहे हैं उसको जान के जहां पे मेरे को एक बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन हुई है। उसके साथ ही साथ कुछ उनकी डायरेक्शनल उसके अंदर जो हमने उनको आइडियाज कुछ दिए हैं कि हम ये सारे काम का इम्पैक्ट एनालिसिस की तरफ आगे बढ़े। होता क्या है कि हम लोग आज क्या हुआ हम उसकी पोस्ट क्रिएट कर देते हैं, पोस्ट क्रिएट करने के बाद हमारा काम एकदम से नेक्स्ट पोस्ट की तरफ आगे बढ़ जाता है। लेकिन हमने आज उनके साथ बैठकर ये चर्चा करी कि इसको किस तरीके से हम इम्पैक्ट उसका देखें, कहां तक वो पोस्ट पहुंची है, किन व्यक्तियों ने उस पर रिएक्ट किया है, किन व्यक्तियों तक नहीं पहुंची है। सो इस दृष्टि से एक टू वे ट्रैफिक कर सकते हैं। एक तरफ कार्यकर्ता है, एक तरफ वोटर्स हैं, एक तरफ वो व्यक्ति हैं जो इस चीज के साथ जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। सो ये त्रिवेणी को कैसे हम जोड़ सकते हैं उसकी तरफ आज हमने चर्चा करी। चुनावी वर्ष है सर, 2-3 महीनों के बीच में अब चुनाव भी आने वाले हैं, तो कार्यकर्ताओं को किस तरह से तैयार जो है वो किया जा रहा है, किस तरह की रणनीति जो है वो तैयार की जा रही है? देखिए, कार्यकर्ता हमारा एक है कि जो बूथ स्तर पे काम कर रहा है उस व्यक्ति को अपना दायरा दिया गया है कि आपका दायरा इस बूथ के इर्द गिर्द है। अपने अपने काम पे फोकस करें क्योंकि हमारे पास 7,00,000 कार्यकर्ताओं की हमारी जो टोटल डेटा है, हमारे पास जो सरल हमारा पोर्टल है उसके ऊपर ऑलरेडी वो इंकित किया गया है। लेकिन अब उन व्यक्तियों को हर व्यक्ति के लिए वो टेरिटरी ओपन नहीं है। जो बूथ का कार्यकर्ता है वो अपने बूथ पे फोकस करे, जो ग्राम केंद्र का कार्यकर्ता है वो ग्राम केंद्र पे फोकस करे, जो पन्ना का कार्यकर्ता है जो 30 वोटर को देखने का वो अपने 30 वोटर पे फोकस करे, जिसका असेंबली सेगमेंट देखने का है वो असेंबली सेगमेंट पे देखे। इस तरीके से मेरे को लगता है कि आज उनको फोकस्ड अटेंशन की तरफ हम डाइवर्ट कर रहे हैं, जो पहले हमारी अटेंशन ओवरऑल पूरे प्रदेश की तरफ होती थी।